जो बाइडेन के सत्ता में आते ही जियोपॉलिटिक्स में परिवर्तन होना शुरू हो गया है। और यहाँ पर सबसे बड़ा उदाहरण चीन ही है, क्योंकि दुनिया में वही इकलौता ऐसा देश है जो अपना असली रंग दिखा चुका है, क्योंकि चीन ने हाल ही में ताइवान के एयर स्पेस का उल्लंघन किया है, वो भी जो बाइडेन के सत्ता में आने के बाद। दरअसल चीन के 12 लड़ाकू विमान ताइवान के एयर डिफेंस टेरिटरी में पहुंच गए। ऐसा करके चीन ने ताइवान और उसके साथियों को एक कड़ा संदेश दिया है। दरअसल कुछ जानकार ये मान रहे हैं कि चीन इस समय ये समझने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ताइवान को किस स्तर पर समर्थन दे रहे हैं, और शायद ऐसा करके चीन ने अपना काम आसान कर लिया है। और इन्हीं सब के बीच ताइवान के उपराष्ट्रपति लाई चिंग ने एक ट्वीट करके कहा है कि ताइवान और जापान में बहुत सारी समानताएं हैं। हम दोनों साथ मिलकर सिर्फ भूकंप के झटके ही नहीं सहते हैं, बल्कि आर्थिक और भू राजनीतिक झटके भी सहते हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया, पलाऊ और अन्य क्षेत्रीय ताकतों की तरह ही जापान भी ताइवान का एक मजबूत साथी है। दोस्तों को एक दूसरे की सहायता करने की आवश्यकता है। यहाँ ताइवान का इशारा साफ है कि वो अपने दोस्त देशों से आह्वान कर रहा है कि जरूरत पड़ने पर वो उनकी मदद करे। यहाँ पर ताइवान ने भारत का नाम लेकर चीन को तो झटका दिया ही होगा, क्योंकि इन सभी देशों में आजकल भारत और चीन ही एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं, क्योंकि जब से गलवान की झड़प हुई है भारत ने चीन को हल्के में लेना ही छोड़ दिया है। और इतना सब हो जाने के बाद जो बाइडेन ने भी कुछ हरकत की है, जिसमें अमेरिका ने भी अपने लड़ाकू युद्धपोतों का बेड़ा दक्षिण चीन सागर में भेज दिया है। पर यहाँ पर अमेरिका का ऐसा करने का फर्क शायद चीन को होता दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि चीन जो बाइडेन प्रशासन को लेकर आत्मविश्वास से भरा है कि वह तो चीन के खिलाफ कोई बड़ा कदम चल ही नहीं सकता है। ऐसे में अब ताइवान भी धीरे धीरे अमेरिका का भरोसा खोता जा रहा है। तभी ताइवान के उपराष्ट्रपति लेई चिंग का ट्वीट ये साफ इशारा है कि चीन के खिलाफ एक नया गठजोड़ बनाना ही होगा, वरना आने वाले 4 सालों में चीन को रोक पाना नामुमकिन होगा।